नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड की खबरों में। मैं हूं आपके साथ ज्योति। रुक करेंगे खबरों का। खबर हरिद्वार से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी श्री कृष्ण कृपा धाम पहुंचे और धाम में आरएएस के पूर्व सरवाहक कार्यवाहक मदन दास देवी को श्रद्धांजलि दी। दरअसल मदन दास देवी का बीते कई दिनों पहले निधन हो गया था, जिसको लेकर सीएम धामी श्रद्धांजलि देने के लिए श्री कृष्ण कृपा धाम पहुंचे। आपको बता दें कि आज आरएसएस के पूर्व सरसहवाह कार्यवाहक मदन दास देवी की अस्थियों को गंगा में विसर्जित किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से सामने आ रही है, जहां अपर मुख्य सचिव ने ली है बैठक। सीएम धामी के निर्देशों पर ली गई है ये बैठक। आपको बता दें, चमोली हादसे के बाद से प्रदेश सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया है। हादसे से बचाव के लिए बनाई जाएगी नई नीति। समय समय पर सुरक्षा मानकों का किया जाएगा परीक्षण। सिविल और इलेक्ट्रॉनिकल्स वर्क के लिए भी होंगे मानक तय। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रही है, जो देहरादून से सामने आ रही है। अपर मुख्य सचिव ने यहां पर बैठक ली है। सीएम धामी के निर्देशों पर यह बैठक ली गई है। वहीं चमोली हादसे के बाद से प्रदेश सरकार अलर्ट पर है और हादसों से बचाव के लिए इस बैठक में नीति बनाई गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देहरादून से यह खबर आ रही है। यह सीएम धामी के निर्देशों पर एक बैठक ली गई है और चमोली हादसे के बाद से प्रदेश सरकार अलर्ट पर है और इस बैठक में नई नीति बनाई गई है। देहरादून से ये खबर है, जहां अपर मुख्य सचिव ने बैठक ली है। सीएम धामी के निर्देशों पर ये बैठक ली गई है। चमोली हादसे के बाद से बचाव के लिए इसमें रणनीति बनाई गई है। और देहरादून से एक और खबर सामने आ रही है, जहां क्षतिग्रस्त स्कूलों की मरम्मत होगी। आपदा मद से की जाएगी स्कूलों की मरम्मत। डॉक्टर धन सिंह रावत ने निर्देश जारी कर दिए हैं। 2 सप्ताह में निदेशालय को भेजे जाएंगे प्रस्ताव। क्षतिग्रस्त स्कूल को 4 श्रेणी में बांटा गया है। आपदा विभाग को उपलब्ध कराए जाएंगे प्रस्ताव। बड़ी और अहम जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां पर क्षतिग्रस्त स्कूलों की मरम्मत की जाएगी। आपदा मद से की जाएगी स्कूलों की मरम्मत। वहीं डॉक्टर धन सिंह रावत ने इसको लेकर के निर्देश जारी कर दिए गए हैं और 2 सप्ताह में निदेशालय को इसकी सूची भेजी जाएगी। 4 श्रेणियों में इनको बांटा गया है, जहां क्षतिग्रस्त स्कूलों की मरम्मत की जाएगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय से संबंधित दून फिल्म स्कूल ने एक दिवसीय ओरिएंटेशन कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस मौके पर फिल्म स्कूल के विजन और मिशन को छात्र छात्राओं के साथ साझा किया गया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार प्रदेश में फिल्म डेफिनेशन के साथ साथ फिल्म सिटी और फिल्म कलाकारों को 30% प्रोत्साहन देने पर जोर दे रही है। वहीं दून फिल्म स्कूल के प्रिंसिपल देवीदत्त ने कहा है कि ऐसे में उत्तराखंड के युवा युवतियों को एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए तैयार किया जा रहा है, ताकि वो आने वाले समय में एक बेहतरीन फिल्म अदाकारी और फिल्म जगत में अपने कदम मजबूत कर सके। सामने बदमाशों ने तरफ से कड़ी नजर रखने के लिए और देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आंदोलन के मूड में जोशीमठ संघर्ष समिति। वहीं पदाधिकारी वार्डों में जाकर प्रभावितों से हो रही है चर्चा। 11 सूत्रीय मांगों को लेकर ये रणनीति बनाई जा रही है और जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति बना रही है ये रणनीति। वहीं जनवरी में शुरू हुआ था आंदोलन और अप्रैल में सीएम के आश्वासन के बाद से ये स्थगित किया गया था। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको देहरादून से दे रहे हैं, जहां 11 सूत्री मांगों को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति ये रणनीति बना रही है। वहीं जनवरी में ये आंदोलन शुरू हुआ था और सीएम के आश्वासन के बाद से
अप्रैल में इसे स्थगित किया गया था। वहीं आपको बता दें कि 11 मांगों को लेकर इसमें रणनीति बनाई जा रही है और जनवरी में यह आंदोलन शुरू हुआ था, जिसके बाद से अप्रैल में इस आंदोलन को स्थगित किया गया था सीएम पुष्कर सिंह धामी के आश्वासन देने के बाद से। और देहरादून से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां रेल लाइन परियोजना में मापी गई तीव्रता। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन की मापी गई है तीव्रता। वहीं सिस्मोग्राफ से ये तीव्रता मापी जा रही है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन की तीव्रता मापी गई है। आपको बता दें कि सिस्मोग्राफ लगाकर ये तीव्रता मापी गई है। कंपनी से मांगी गई है इसकी विस्तृत रिपोर्ट। देहरादून से यह खबर सामने आ रही है, जहां रेल लाइन परियोजना की तीव्रता मापी गई है। सिस्मोग्राफ लगाकर ये तीव्रता मापी गई है, जिसके बाद से एसडीएम के आदेश पर कार्यदायी संस्था ने ये तीव्रता मापी है और कंपनी से इसकी रिपोर्ट भी मांगी गई है। तो देहरादून से आपको यह खबर बता रहे हैं, जहां रेल लाइन परियोजना की तीव्रता मापी जा रही है, वहीं ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन की यह तीव्रता मापी जा रही है। सिस्मोग्राफ लगाकर यह तीव्रता मापी जा रही है। आपको बता दें कि एसडीएम के आदेश पर यह तीव्रता मापी गई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज एक दिवसीय हरिद्वार दौरे पर हैं। आपको बता दें कि एक दिवसीय हरिद्वार दौरे पर वे कई जगहों का दौरा करेंगे और इस दौरान जहां सीएम आईआईटी रुड़की के कार्यक्रम में शिरकत भी करेंगे। आपको बता दें कि सुबह 11 बजे हरिद्वार डाम कोठी पर वो पहुंचे थे, जहां उन्होंने बारिश की वजह से मां मनसा देवी की पहाड़ियों पर भूस्खलन और नुकसान का जायजा लिया था। इस दौरान सीएम धामी के साथ कैबिनेट मंत्री और हरिद्वार प्रभारी सतपाल महाराज और मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल भी मौजूद रहे। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल भीमगोड़ा क्षेत्र में एक आश्रम में आयोजित श्रद्धांजलि समारोह में भी मौजूद रहे। और वहीं उत्तराखंड में सत्ता संभाले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को यूं तो 2 साल पूरे हो गए हैं, और इन 2 सालों में सीएम धामी देश के सभी मुख्यमंत्रियों में अपनी एक अलग और खास पहचान बना चुके हैं। लेकिन सबसे खास बात यह है कि सीएम धामी ने अपनी कार्य कुशलता से पीएम मोदी का ध्यान भी अपनी ओर आकर्षित किया है, जिसमें सीएम धामी अब पीएम मोदी के चहेते सीएम बन गए हैं। सीएम धामी पिछले 1 महीने में 3 बार दिल्ली आ गए हैं और 2 बार पीएम मोदी से मुलाकात भी कर चुके हैं। राज्य के लिए अनेक सौगात वो लेकर आए हैं। वहीं सीएम धामी ने इस बार भी पीएम से मुलाकात की है और राज्य को मेट्रो परियोजना, सड़क संरचना, राज्य मार्गों का उच्चीकरण और धामों के साथ साथ मंदिरों को जोड़ने वाली सड़कों के विस्तार को लेकर बातचीत की है, जिसे जल्द ही राज्य को बड़ी सौगात मिल सकती है। निश्चित रूप से राज्य के यशस्वी युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा जिस तरह से उत्तराखंड राज्य के अंदर उत्तराखंड के विकास के लिए दूरगामी फैसले लिए गए, निश्चित ही एक सराहनीय पहल है। कल उनकी प्रधानमंत्री जी से भेंट थी। प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड के प्रति जो असीम प्रेम और स्नेह है वो सब परिलक्षित होता है। अनेकों योजनाएं उत्तराखंड राज्य के अंदर प्रारंभ हुई है। जिस भी योजना पे राज्य सरकार ने मांग की है, मुख्यमंत्री जी ने मांग की है, प्रधानमंत्री जी ने उसकी स्वीकृति प्रदान की है। इन 9 वर्षों के अंदर हम उत्तराखंड राज्य के अंदर देखेंगे कम हो जाएगी। इसी प्रकार से मानस खंड जो मंदिर माला मिशन है उसमें हमारे 16 प्रमुख मंदिरों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए, उनका चौड़ीकरण करने के लिए और उनको उच्चीकृत करने के लिए
एक सर्किट के तहत एक दूसरे से जोड़ने के लिए, चूंकि बहुत सारा काम राज्य सरकार उसमें कर रही है, जैसे वन भूमि का हस्तांतरण है, इसके अलावा मुआवजा इत्यादि की प्रक्रिया है, उन सबको राज्य सरकार अपने संसाधनों से कर रही है, भूमि अधिग्रहण से लेकर हस्तांतरण से लेकर। इसी में 1,000 करोड़ रुपए की उस मार्ग को उच्चीकृत करने के लिए टू लेन के लिए आवश्यकता है, उसका भी मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया है। चलिए सीधे आपको ले चलेंगे रुड़की, जहां सीएम धामी शिरकत कर रहे हैं, आईआईटी रुड़की के कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। निदेशक आईआईटी रुड़की प्रोफेसर के पंत जी, कोऑर्डिनेटर G20 इंपैक्ट समिट प्रोफेसर SH उपाध्याय जी, श्री सार्थक शुक्ला जी, राष्ट्रीय संयोजक थिंक इंडिया एवं यहां पर आए हुए सभी हमारे गणमान्य सभी अतिथिगण, सभी रुड़की आईआईटी के सभी शिक्षकगण इस कार्यक्रम में पधारे, सभी हमारे अतिथिगण और जिनके निमित्त ये शानदार कार्यक्रम यहां पर आयोजित हो रहा है, ऐसे सभी मेरे रुड़की आईआईटी के सभी छात्र छात्राएं एवं अन्य संस्थानों से, अन्य विद्यालयों से, महाविद्यालयों से आए हुए सभी मेरे छात्र एवं छात्राएं, मैं सबसे पहले तो आईआईटी रुड़की में थिंक इंडिया के सहयोग से आयोजित इस G20 समिट में अपनी तरफ से आप सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं। अभी मैं सुन रहा था उपाध्याय जी को भी, पंत साहब को भी और हमारे सार्थक जी को भी, तो सभी ने विशेषकर रुड़की आईआईटी के बारे में विस्तार से बताया। मेरा भी ये सौभाग्य है कि मुझे भी आज देश ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे अच्छे संस्थानों में से, सर्वोत्तम संस्थानों में से एक संस्थान आईआईटी रुड़की में एक बार फिर से आप सबके बीच में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। मैं आईआईटी रुड़की की बात करूं तो ये महान संस्थान विगत 176 वर्षों से भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में देश को गौरवान्वित करने का काम लगातार करता आया है और इस संस्थान से पढ़े हुए छात्र आज विद्यार्थी देश के अनेकों क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, अपने ज्ञान एवं कुशलता से देश का नाम रोशन कर रहे हैं। इस संस्थान ने शोध के क्षेत्र में भी हमेशा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए ज्ञान विज्ञान को एक नई दिशा देने का कार्य किया है। यदि मैं कहूं कि आईआईटी रुड़की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सदैव उत्कृष्टता का प्रतीक रहा है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि पहले से मेरा ये कार्यक्रम तय नहीं था, अन्य कार्यक्रम बहुत सारे लगे हुए थे, मैं कल शाम तक भी बहुत असमंजस था, लेकिन कोई भी ऐसा अवसर जो हमारे विद्यार्थियों के बीच में होता है, छात्रों के बीच में होता है, छात्राओं के बीच में होता है, हमारे नौजवानों के बीच में होता है, मेरा प्रयास रहता है कि भले ही अन्य कार्यक्रम छूट जाएं या थोड़ा पीछे हो जाएं, लेकिन मैं विद्यार्थियों के कार्यक्रम में अवश्य पहुंचने की कोशिश करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहां पर G20 समिट विषय पर चर्चा करने के लिए एकत्र हुए हैं और G20 की अध्यक्षता भारत के लिए सिर्फ एक राजनीतिक अवसर नहीं है बल्कि एक जिम्मेदारी है, और जिम्मेदारी भी एक ऐसे समय पर है जब आज पूरी दुनिया कोरोना महामारी के बाद पूरी तरह से अव्यवस्थित हो गई है, दुनिया के देश पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गए हैं। ऐसे समय में पूरी दुनिया को आगे ले जाने का काम और दुनिया को नेतृत्व देने का काम, उसकी अध्यक्षता का काम भारत को मिला है, जो विश्व के भारत पर
भरोसे का एक बड़ा पैमाना है। एक समय हम अगर पीछे का याद करें, कुछ वर्षों पहले की बात करें, तो आप देखते होंगे विश्व की कोई भी घटना होती थी तो हम दुनिया की तरफ देखते रहते थे कि दुनिया में क्या होने वाला है। लेकिन आज जिस तेजी से भारत बदला है, अब पूरी दुनिया, कोई भी दुनिया के अंदर घटना होती है तो भारत के रुख का इंतजार करती है। यह है हमारा नया भारत। प्यारे विद्यार्थियों, जब हम अपनी प्रगति के लिए प्रयास करते हैं तो हम वैश्विक जो प्रगति है उसकी कल्पना करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि G20 देश ये ऐसे देशों का समूह है जिसमें आर्थिक सामर्थ्य विश्व की 85% जो GDP है उसका नेतृत्व करने वाले देश हैं, जिसमें G20 के 20 देश, 9 इनवाइटी देश और कई सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो विश्व के 75% व्यापार का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसमें विश्व की 2/3 जनसंख्या निहित है। आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष के दौरान G20 की अध्यक्षता करना हम सभी के लिए बहुत गौरव की बात है, पूरे भारतवासियों के लिए गर्व की बात है। और इस वर्ष के G20 की जो थीम है वो थीम है वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर, जो मूल रूप से भारतीय संस्कृति द्वारा विश्व को दिए गए सिद्धांत वसुधैव कुटुंबकम पर आधारित है, जिसका अर्थ है संपूर्ण संसार हमारा एक परिवार है। कहते हैं अयम निजम परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरित्रानाम वसुधैवम तु कुटुंबकम। आपने G20 के लोगों को देखा होगा, शायद आप में से कई ने इन लोगों को अभी ध्यान से नहीं देखा होगा। देखिए जो हमारे होल्डिंग लगे हैं उनमें वो जो लोगो है उसको अगर हम ठीक से देखेंगे तो G20 का यह लोगो केवल एक प्रतीक चिन्ह नहीं है बल्कि एक संदेश है, एक भावना है जो हमारी रगों में है, हमारा एक संकल्प है और जो हमारी सोच है वो सारी की सारी G20 की समिट का ये लोगो बनाया है, इसमें पूरी तरह से समाहित है। और वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र के जरिए विश्व बंधुत्व की भावना को हम सदियों से जीते आए हैं। यही हमारी संस्कृति है, यही हमारे संस्कार हैं, यही हमारी पद्धति है। हमारी प्राचीन संस्कृति का विचार इस लोगो और थीम में ठीक प्रकार से हमारे सामने प्रतिनिधित्व हो रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, इस लोगो में एक G20 जहां पर आ रहा है वहीं पर कमल का फूल है, जो भारत की पौराणिक धरोहर हमारी आस्था हमारी बौद्धिकता को भी चित्रित कर रहा है, वह भी हमारे समक्ष इन सब चीजों को रख रहा है। यह लोगो और थीम जो भारत की सांस्कृतिक धरोहर है उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, G20 का उद्देश्य विविधता का सम्मान करते हुए पूरी दुनिया को एक मंच पर लाना है, पूरी दुनिया को एक साथ लाना है। आज विश्व में भारत को जानने की, भारत को समझने की एक अभूतपूर्व जिज्ञासा है, वो हम विभिन्न विभिन्न अवसरों पर देख रहे हैं। आज विश्व के देश और विद्वान पुनः भारत का और हमारी सांस्कृतिक जो धरोहर है, जो हमारी पद्धतियां हैं, उन सबका अध्ययन कर रहे हैं। हमारी वर्तमान सफलताओं का यदि हम आकलन कर रहे हैं तो हमारे भविष्य को लेकर आज पूरा विश्व तमाम प्रकार की अपेक्षाएं और तमाम प्रकार की आशाएं भी प्रकट कर रहा है। और ऐसे माहौल में जब हम G20 समिट इमिट के यहां पर इसके लिए एकत्र हुए हैं तो हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है कि आज विश्व की जो हमसे अपेक्षाएं हैं, आज जो जनमानस की अपेक्षाएं हैं, उससे आगे बढ़कर दुनिया को भारत की क्षमताओं, दर्शन, सामाजिक और बौद्धिक ताकत से भी परिचित कराएं। यह हम सबका सामूहिक उद्देश्य हो जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज भारत बुनियादी ढांचे के विकास पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर रहा है और आज भारत पूरी दुनिया को दिशा देने वाला भारत बढ़ने की ओर आगे बढ़ रहा है। भारत आज शक्तिशाली भारत, पूरे दुनिया को दिशा देने वाला भारत, नेतृत्व करने वाला भारत,
ऐसा भारत आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बन रहा है। मैं आज के इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि पहले के जिस ये जो G20 जैसे जितने भी समिट होते थे, जितने भी इस प्रकार के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम आते थे जिसमें विश्व के प्रतिनिधि भाग लेते थे, वो कुछ एक स्थानों पर कार्यक्रम होके समाप्त हो जाया करते थे। यानी कि हमारे बड़े शहरों में दिल्ली, बम्बई, कोलकाता, बेंगलोर, मद्रास, ऐसे बड़े शहरों में ही कार्यक्रम होते थे और कार्यक्रम होने के बाद देश के लोगों को पता भी नहीं लगता था कि कौन से कार्यक्रम हो रहे हैं। एक दिन अखबार में आ जाता था या मीडिया में आ जाता था। लेकिन ये पहला अवसर है जब भारत को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में G20 की अध्यक्षता मिली और ये G20 के जितने कार्यक्रम हुए वो G20 के कार्यक्रम एक स्थान पर, दो स्थान पर, पांच स्थान पर, दस स्थान पर, बीस स्थान पर नहीं हुए, बल्कि देश के कोने कोने पर हुई। हर देश के छोटे छोटे स्थानों पर ये G20 के कार्यक्रम हुए और इससे हमारे भारत का सामर्थ्य पूरी दुनिया को दिखा कि भारत का कोई भी कोना आज विकास की जो ये दौड़ है, विकास की रफ्तार है, उसमें आगे निकल गया है। सभी मेजबानी कर सकते हैं और उत्तराखंड के अंदर भी हमारे राज्य में, क्योंकि इतना बड़ा राज्य नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हमको एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन जी समिट की जो है मेजबानी करने का अवसर हमको मिला है। और इस दायित्व को हमने बहुत बखूबी निभाया भी है, बहुत शानदार तरीके से हमने इस काम को पूरा किया और तीनों बैठकों को सकुशल हमने संपन्न करवाने के साथ ही जो हमारी देवभूमि का संदेश है, अतिथि देवो भव, उसका भी संदेश उन प्रतिनिधियों को, आए हुए मेहमानों को भली भांति देने का काम उत्तराखंड के लोगों ने किया है। जब मैं G20 की बैठकों में विभिन्न देशों के जो आए हुए डेलीगेट्स से, जो प्रतिनिधि थे, उनसे मिला और जब उनका भारत के प्रति मैंने प्रेम देखा, तो सच बताऊं तो वह पल मेरे लिए बहुत ही अविस्मरणीय थे जब मैं विदेश के प्रतिनिधियों की आंखों। सीएम धामी को सुन रहे थे आप। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। नमस्कार।